दूल्हे के प्रति जताना चाहती थी प्यार, इसलिए शादी के दिन मुंडवा लिया सिर। हेयर स्टाइल का खूबसूरती में अहम योगदान होता है, इसलिए दुल्हने अपनी शादी वाले दिन के लिए खूब सोच विचार कर हेयर स्टाइल चुनती है। लेकिन लिवरपूल इंग्लैंड की जोन ली उसने अपनी शादी वाले दिन सिर मुंडाने का निर्णय लिया। यही नहीं, उनके दूल्हे क्रेग ने भी उनका सिर मुंडने में हाथ बढ़ाया। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि दुल्हन ने यह सब अपने दूल्हे के प्रति प्यार और परवाह जताने के लिए किया था। यह है अनोखा मामला। 30 साल लग गए प्यार का इजहार करने में। दुल्हन द्वारा एन शादी के दिन अपना सिर मुंडाए जाने की यह घटना यूं तो पिछले साल अप्रैल में हुई थी, लेकिन यह हाल ही में एक बार फिर वायरल हो गई। दरअसल इंस्टाग्राम पर वेवी मेट नामक एक पॉपुलर वेबसाइट ने बीती 22 जून को यह स्टोरी शेयर की, तो हजारों लोगों ने इसे पसंद किया। वेवी मेट अकाउंट के करीब 4 लाख फॉलोअर्स हैं। इस पर दुनिया भर की रियल लव स्टोरीज शेयर की जाती है। जोन और क्रिक की लव स्टोरी भी ऐसी है कि उसे जानकर कोई भी उनके सच्चे प्यार को सलाम किए बिना नहीं रह सकता। वे दोनों 14 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते थे। क्रिक के मन में जोन के प्रति पहली मुलाकात से ही प्यार था, लेकिन वे उसका इजहार नहीं कर पाते थे। क्रेग को इजहार करने में 30 साल लग गए। इस बीच जून की एक बार शादी हो चुकी थी। क्रेग ने जून को एक रेस्तरां के भीतर प्रपोज किया, तब उनके हाथ में मिल्कशेक था। फिर पता चली यह दर्दनाक हकीकत। जून ने सहमति दे दी। यह दोनों के लिए बहुत खुशी का दौर था। वे अपनी शादी की योजना बनाने लगे। इसी दौरान 2015 में क्रेग को पता चला कि उन्हें चौथे स्टेज का पैंक्रियाटिक कैंसर है। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास सिर्फ 9 सेकंड 12 महीने ही बचे हैं। यह बहुत बड़े दुख का समय था, लेकिन क्रेग और जून ने शादी करने और उस शादी को फंडराइजिंग का अवसर बनाने का फैसला लिया। 15 अप्रैल 2016 को वेडिंग के बीच जून ने क्रेग के प्रति अपना प्यार और परवाह जताने के लिए अपने बाल मुंडवाए। क्रेग ने भी उनके सिर पर शेवर चलाया। जून ने अपने बाल लिटिल प्रिंसेस ट्रस्ट को दान कर दिए। उनसे कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए विग बनाए गए। इस मौके पर क्रेग और जून ने गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए फंड भी जुटाया। दुनिया भर में इस अनोखी शादी और दुल्हन के काम की खूब चर्चा हुई थी। बाद में 2016 में दिसंबर माह में क्रिसमस के ठीक पहले क्रेग की मौत हो गई।